नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टीम इंडिया बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे खेलने उतरेगी। वह 5 मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज में पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। अगर वह दूसरा मैच जीत लेती है तो 2-0 की मजबूत बढ़त ले लेगी। दूसरी ओर वेस्टइंडीज दूसरा वनडे जीतकर सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 60 शतक बना चुके विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके विरोधी भी प्रशंसक हैं। उनके ऐसे ही एक प्रशंसक बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे 1 साल सीनियर भी हैं। तमीम ने विराट की तारीफ करते हुए मंगलवार को कहा कि कभी कभी लगता है ही नहीं है कि भारतीय कप्तान इंसान है। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद पहला मैच खेल रहे दिनेश कार्तिक ने मंगलवार को देवधर ट्रॉफी में 99 रनों की पारी खेली। हालांकि वे इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद अपनी टीम ए को जीत नहीं दिला सके। इंडिया बी ने इस मैच में इंडिया ए को 43 रन से हरा दिया। भारत के सफलतम तेज गेंदबाजों में शुमार जहीर खान और आरपी सिंह ने T10 लीग खेलने के लिए करार किया है। 8 टीमों की T10 लीग 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक शारजाह में खेली जाएगी। यह लीग का दूसरा संस्करण होगा। ऑलराउंडर कोरी एडरसन और बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को पाकिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ी संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड ए टीम का हिस्सा हैं। ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ बाकी बचे 2 वनडे मैच खेलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।